बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक पंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को डीजीपी संजय कुड्डू बिलासपुर पहुंचे। संजय कुड्डू ने यहां पहुंचकर जिला अस्पताल में जाकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर डीजीपी ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। संजय कुड्डू ने कहा कि इस सारे मामले को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें एसआईटी इंचार्ज बिलासपुर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 6 लोगों को भी आज शाम तक बिलासपुर पुलिस पकड़ लेगी। जो पिछले कल बंबर ठाकुर जी के साथ घटना हुई, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि ये जो उनके साथ जानलेवा हमला हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आज डीजी साहब ने भी यहाँ पे दौरा किया और इंश्योर किया कि जिन्होंने ये वारदात की है, उनको कुछ लोगों को रेस्ट भी कर लिया गया है। और कुछ लोग अभी जो हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अभी उनको रेस्ट भी किया जा रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इस घटना की बहुत निंदा करती हूँ कि ये घटनाएं जो है हमारे समाज में बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। और यहाँ का जो पुलिस है, एसपी साहब हैं, डी साहब हैं और डीएसपी साहब मदन धीमान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने भी इंश्योर किया है कि जल्दी से जल्दी और आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा और ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। अभी विधानसभा सेशन में है तो मैं प्रेस से ज़्यादा बोल नहीं सकता और मैं आया इनको विजिट करने के लिए। और केस दर्ज हुआ है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में और इसमें 7 लोग हमने गिरफ्तार किए, बाकियों की गिरफ्तारी चल रही है और हम आज बाकी सब लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लॉलेसनेस है, ये नहीं चलेगी और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसको हम पकड़ेंगे और जो अदालत से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सख्त से सख्त सजा इसमें हो। और बस मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आज सब बाकी जो संलिप्त लोग हैं उनको हम पकड़ लेंगे। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि विधानसभा सेशन में है और जो भी अब बोलना है माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में स्टेटमेंट देंगे। बिलासपुर में इतिहास है, जब भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, जैसे चाहे नेशनल हाईवे का, रेलवेज का है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कई पार्टीज में और ये मैंने देखा कि पूरे देश में ऐसे ही होता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अब डीसी साहब से हमने बात की है, हम कैसे सुरक्षा इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करें क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, कैसे सुरक्षा प्रोवाइड करें, कैसे हम जो कंपनीज इसमें काम कर रही है, भारतीय रेल इसमें काम कर रहा है, वो हमने डिस्कशन प्रिलिमिनरी किया और हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इसमें पर्याप्त सिक्योरिटी हम देंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट्स आगे फ्यूचर में नहीं हो पाए।